ओल्ड बैटरी के जो वोल्टेज हैं 12.79 हो गए, तो इसलिए इसमें कम एम्पियर जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रेवल बी में। फ्रेंड्स, यदि आपके इन्वर्टर में सिंगल बैटरी लगी है और आपको ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल बैटरी के इन्वर्टर में आप डबल बैटरी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यदि आपके घर में सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, यदि आपके घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है और कितने ही वाट के पैनल हैं, मान लीजिए कि आपके घर का लोड थोड़ा सा कम है और सोलर पैनल जितना भी वाटेज जनरेट करते हैं उसमें से थोड़ा बचा रह जाता है और वह वेस्ट ही हो जाता है। यदि आपका बैटरी बैंक बड़ा रहेगा तो जो वाटेज सोलर पैनल जनरेट करता है वो वेस्ट नहीं होंगे, आपके बैटरी में स्टोर हो जाएंगे और नाइट के टाइम पे जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी आप उसी वाटेज का यूज़ कर सकते हैं अपने घर के काफ़ी अप्लायंसेस रन करने में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या है दो बैटरियों को एक इन्वर्टर पे अटैच करने का, यानी कि सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पे आप दो बैटरियाँ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और ओवरऑल जो सही तरीका होता है उसी से ही आपको बैटरी अटैच करना है। यदि आप गलत तरीके से करेंगे तो बैटरी भी डैमेज हो सकती है और इन्वर्टर भी फॉल्टेड हो सकता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बैटरी को इस तरह से रख लेना है, मतलब पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव एंड को नेगेटिव की तरफ आपको रखना है। और यहाँ पर सबसे पहले इन्वर्टर से जो वायर आती है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, जिससे कि बैटरी चार्जिंग एम्पियर आराम से बैटरी को मिल पाए। और बैटरी की जो रेड कलर की आपको वायर दिख रही है, इसको मैंने कैसे बनाया है इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लास्ट वीडियो इसी से रिलेटेड था और वायर के बारे में भी इसमें मैंने आपको बताया था, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों बैटरीज के पॉजिटिव एंड को आपको इस तरह वायर से कनेक्ट कर देना है। यह जो बैटरी वायर है यह 20 mm की वायर है, मतलब इसमें 10-10 mm की दो वायर्स लगी हैं बैटरी वायर के लिए, और टोटल इसका mm होगा 20 mm। और यहाँ पर इन्वर्टर से जो रेड कलर की वायर निकल रही है उसको मैंने बैटरी के रेड टर्मिनल पर मैंने अटैच कर दिया है। और यहाँ पर हम स्टैगर्ड कनेक्शन करेंगे, जिससे कि बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही इक्वल एम्पियर से होगा, मतलब दोनों ही बैटरी का सेम यूज होगा। ऐसा नहीं है कि एक बैटरी से ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम होगा दूसरी बैटरी से कम, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर स्टैगर्ड कनेक्शन करेंगे, तो बैटरी का रेड वायर हमने एक बैटरी में लगाया है और ब्लैक कलर का जो वायर है हम दूसरी बैटरी के टर्मिनल पर ऐड करेंगे, जो कि ब्लैक कलर का यानी कि नेगेटिव टर्मिनल है। सबसे पहले हम दोनों बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल को हम ब्लैक कलर की बैटरी वायर से कनेक्ट कर देंगे, और यह बैटरी वायर है 20 mm की। बैटरी वायर को आपको ज़्यादा थिक रखना है, जिससे कि एम्पियर लॉस कम से कम हो। इस तरह से आपको दोनों ही बैटरी के नेगेटिव एंड को आपस में कनेक्ट कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पैरेलल कनेक्शन करने वाले हैं। पैरेलल कनेक्शन में बैटरी के वोल्टेज सेम रहेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगल बैटरी का ही इन्वर्टर है जो कि 12 वोल्ट का है। पैरेलल कनेक्शन हम करते हैं तो बैटरी के जो एम्पियर हैं, बैटरी के जो वोल्टेज हैं वह सेम रहेंगे इस तरह से। लेकिन वायर को बहुत ही ध्यान से आपको कस लेना है, कोई भी लूजिंग ना रह जाए। यदि लूजिंग रहेगी तो बैटरी में स्पार्किंग भी हो सकती है और वायर ब्रेक भी हो सकती है, पावर लॉस भी काफ़ी हो सकता है। तो इस तरह से हमें दोनों ही टर्मिनल को आपस में ब्लैक वायर से कनेक्ट कर लेना है यहाँ पर इस तरह से। और इन्वर्टर से जो ब्लैक कलर की वायर है नेगेटिव, उसको हम इस तरह से दूसरी बैटरी के नेगेटिव एंड से हम कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। और सबसे लास्ट में आप दोनों ये जो चारों टर्मिनल है, मतलब दोनों ही बैटरियों के, मतलब एक बैटरी में दो दो टर्मिनल हैं, उन सभी को आपको वैसलीन से कवर कर देना है, जिससे कि टर्मिनल का कांटेक्ट मॉइस्चर से एटमॉस्फेयर से ना हो पाए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे
इस तरह से आपको देखिए कनेक्ट कर देना है बैटरी का जो इन्वर्टर से जो नेगेटिव वायर आ रही है उसको दूसरी बैटरी के नेगेटिव एंड से, और रेड वायर को मैंने दूसरी बैटरी के पॉजिटिव एंड से इस तरह से मैंने कनेक्ट किया है। आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, बहुत ही ध्यान से कनेक्शन करना है, लेकिन कनेक्शन बहुत ही ईजी है आप सिंगल बैटरी के इन्वर्टर में, चाहे वो सोलर इन्वर्टर हो या नॉर्मल इन्वर्टर, आप दो बैटरियाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए हम सोलर का कनेक्शन करने वाले हैं, उससे पहले हम इन्वर्टर की वायर को कनेक्ट कर देंगे और मेंस यहाँ पर ऑन कर देंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि मेंस आ जाएगी तो यह ऑरेंज कलर का डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर मेंस मैंने ऑन कर दी है, अब देखिए यहाँ पर यह ऑरेंज कलर का डिस्प्ले कुछ समय में, लगभग 15 सेकेंड टाइम लेता है ऑरेंज कलर का डिस्प्ले होने में। और यहाँ पर अभी हम सोलर को भी ऑन करेंगे, क्योंकि बैटरी को यदि हम मेन से चार्ज करेंगे तो काफ़ी यूनिट कंज्यूम करेगा, इसलिए हम ग्रिड चार्जिंग यहाँ पर हम ऑफ रखते हैं। देखिए यहाँ पर हम ग्रिड चार्जिंग ऑफ कर देंगे, यह बटन को हम 3 बार प्रेस करेंगे तो ग्रिड चार्जिंग ऑफ हो जाएगी। देखिए ऑफ हो गई, अब हम सोलर को ऑन करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने अभी सोलर को ऑन कर दिया है, सोलर MCB को। अब जो बैटरी में चार्जिंग होगी वह सोलर से ही होगी, तो यहाँ पर देखिए सोलर को भी आने में लगभग 10 से 15 सेकेंड लग जाता है। और सोलर जब आएगी, और यहाँ पर मैंने इन्वर्टर में बैटरी चार्जिंग एम्पियर 21 एम्पियर सेट किया है कैलिब्रेशन में जाकर, तो यहाँ पर बैटरी 21 एम्पियर से चार्ज होगी। और चार्जिंग एम्पियर हमें कैसे सेट करना है इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट वीडियो में मैंने बैटरी के अनबॉक्सिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैंने इस बैटरी के प्राइस के बारे में भी बताया है। देखिए अभी सोलर पैनल से लगभग 9 एम्पियर आ रहे हैं, और ये क्योंकि यह RMPPT है तो यह एक्स्ट्रा वोल्टेज को एम्पियर में कन्वर्ट करके, यानी अभी जो बैटरी है लगभग 20 एम्पियर से अभी चार्ज हो रही है। तो हमारे पास क्लैंप मीटर भी है, क्लैंप मीटर से भी अभी हम चेक करेंगे कि दोनों बैटरियां कितने कितने एम्पियर से चार्ज हो रही हैं। इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगा कि बैटरी कौन सी बैटरी ज़्यादा एम्पियर से चार्ज होगी और कौन सी बैटरी कम एम्पियर से चार्ज होगी। तो देखिए यहाँ पर बैटरी इस समय लगभग 20 एम्पियर से चार्ज हो रही है, एम्पियर घट बट रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि जिस बैटरी के वोल्टेज कम होंगे वह ज़्यादा एम्पियर से चार्ज होगी, और जिस बैटरी के वोल्टेज ज़्यादा होंगे वह कम एम्पियर से चार्ज होगी। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको भी अभी हम क्लियर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी 21 एम्पियर से अभी चार्ज हो रही है इस तरह से। और कैलिब्रेशन में जाकर आप बैटरी के चार्जिंग एम्पियर को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपने दो बैटरियाँ कनेक्ट कर दी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैटरी के कैलिब्रेशन में जाकर आप 40 एम्पियर सेट कर दें, आपको 25 एम्पियर ही सेट करना है, कम ही एम्पियर सेट करना है, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा बनी रहेगी और बैटरी आपकी हेल्दी रहेगी और यह लंबे समय तक चलेंगी। यहाँ पर देखिए बैटरी चार्ज हो रही है 22 एम्पियर से, बट जो हमारी ओल्ड बैटरी है वह लगभग, अभी आपको बताएंगे, यह जो ओल्ड बैटरी है अभी यह चार्ज हो रही है लगभग 2.3 एम्पियर से। 2.3 एम्पियर से हमारी ओल्ड बैटरी इससे चार्ज हो रही है क्योंकि इसके वोल्टेज नई बैटरी के वोल्टेज से अभी ज़्यादा हैं, क्योंकि न्यू बैटरी को मैंने टेस्टिंग पर लगाया था और यह थोड़ी एम्प्टी हो चुकी है। देखिए यहाँ पर तो इसलिए जिस बैटरी के वोल्टेज कम होंगे वह ज़्यादा एम्पियर से चार्ज होगी। और यहाँ पर देख लीजिए कि इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। अभी हम वोल्टेज चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि किस बैटरी के वोल्टेज कम है और किससे ज़्यादा। देखिए यहाँ पर इसके जो वोल्टेज अभी आ रहे हैं 12.74, और ओल्ड बैटरी के वोल्टेज हैं 12.78, न्यू बैटरी के वोल्टेज हैं 12.74। इसका मतलब है कि इसके वोल्टेज कम है न्यू बैटरी के, और यह ज़्यादा एम्पियर से चार्ज हो रही है, इसकी वजह से यह लगभग 19 to 20 एम्पियर यह ले रही है इन्वर्टर से चार्ज होने के लिए, क्योंकि इसके वोल्टेज काफ़ी कम है और ओल्ड बैटरी इसके वोल्टेज काफ़ी हैं, तो इसलिए इसमें एम्पियर लगभग 2.3 एम्पियर के आसपास जा रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओल्ड बैटरी के जो वोल्टेज हैं
12.79 हो गए, तो इसलिए इसमें कम एम्पियर जा रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करें कि बैटरी का चार्जिंग एम्पियर आप 30 कर दें, ठीक है। बैटरी का चार्जिंग एम्पियर आपको 25 के आसपास रखना है। आई होप फ्रेंड्स आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और सोलर से रिलेटेड मैंने काफी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।